हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 10, केमिस्ट्री क्लास 10 कंटिन्यू करेंगे हम। हमने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7-6 तक कर लिया था। अब ये चैप्टर नंबर 10 का एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स का रिव्यू क्वेश्चन नंबर 7 है। क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉल्यूशंस एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब ये चार क्वेश्चन दिए हुए, इन्होंने यहाँ पे कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है। इस कंसंट्रेशन के लिहाज से हमें आइडेंटिफाई करना है कि दे आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। दो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इन्होंने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है और 3 और 4 के अंदर हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन दी है। तो सबसे पहले हमें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के बारे में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन की। एसिडिक के लिए हमें पता है एच प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन, जो भी सब्सटेंस है वाटर के अंदर आप मिक्स कर रहे हैं तो उसके अंदर एच प्लस आइन भी है, ओ एच माइनस आइन भी है। अगर एच प्लस आइन जो है वो 7 से कम है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एसिड, और अगर एच प्लस आइन और ओ एच माइनस आइन इक्वल है दोनों तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल, और अगर एच प्लस आइन जो है वो ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ ओ एच माइनस आइन तो ये बेसिक कहलाएगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन था अ सॉल्यूशन दैट हैज़ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसकी कितनी है, 1 × 10⁻³ - 3। -3 मीन्स pH 3 है, ठीक है। जब pH 3 है तो इट विल बी कंसिडर एज एन एसिड, राइट। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन है अ सोल्यूशन डेट हैज़ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1.0 × 10⁻¹⁰ मीन्स जो इसका pH होगा वो 10 होगा, ठीक है। जब pH 10 है तो इट विल बी कंसिडर एज अ बेसिक, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो 10 है, तो 10 मीन्स ये बेसिक होगा। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो ये हमारे पास ऑलरेडी की मौजूद है, इसकी मदद से हम करेंगे अ सॉल्यूशन डेट हैज़ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन नहीं दिया हुआ है, हाइड्रोक्सल आयन दिया हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सल आयन अगर हमें है तो हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, जिसका हमारे पास ऑलरेडी जो है ये फॉर्मूला है, pH = 14 - pOH, ठीक है। अब pOH हमें मालूम करना है तो pOH हम पहले ले आएँ, लॉग जो है हमारा OH का लिखना होगा, यानी कंसंट्रेशन OH की लिखनी होगी, और उसमें से जो है 14 में से माइनस कर देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है -3 है तो -3 को हम -14 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 11, तो pH जो आएगी वैल्यू वो 11 आएगी, तो pH 11 का मतलब ये है इट विल बी बेसिक इन नेचर। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि H प्लस आइन की हमें निकालनी है और टोटल जो है हमारे पास 14 होता है, जिसमें से जो है 7 एसिडिक और बेसिक हो तो न्यूट्रल होता है। तो इस इक्वेशन की मदद से भी हम निकाल सकते हैं कि H प्लस आइन की हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 14 को जो है डिवाइड कर देंगे OH माइनस आइन से। जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपको पता है पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होते हैं बल्कि प्लस या माइनस होती है। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास बेसिक इन नेचर है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 11 आएगी, और 11 pH किसी चीज़ का, सब्सटेंस का होगा, किसी भी चीज़ का होगा, स्पेसिमन का होगा, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो बेसिक इन नेचर कहलाएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जब हम इसको करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, द सॉल्यूशन डेट हैज़ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन 1.0 × 10⁻¹⁰। अब -10 mm का मतलब ये है कि pH इसका 10 है, ठीक है। pH जो है हमें निकालना पड़ेगा, pOH 10 है, यानी OH आयन की कंसंट्रेशन 10 है। तो हम इसको दोबारा इसी तरह से करेंगे, हमारे पास एक्चुअल जो इक्वेशन है pH = 14 - pOH, तो pOH यहाँ पे 10 है, 14 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास pH की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। जब pH की वैल्यू 4 आएगी तो हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलता है कि pH 4 जो है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। 7 और 7 से कम जो है वो 6.9 और उससे कम जो है वो एसिडिक कंसिडर होते हैं। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, kW की वैल्यू अगर हम निकालें तो pH प्लस pOH होता है, तो pH और मल्टीप्लाई करेंगे pOH को, तो pH की वैल्यू हमने ऊपर रख दी है और pOH की वैल्यू हमने टोटल जो है नीचे रख दी, तो H प्लस आइन हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं 14, और ये जो क्वेश्चन के अंदर जो भी वैल्यू गिवन है उसे डिवाइड करके। तो हम इसको शिफ्ट करेंगे तो 14 में से 10 माइनस हो जाएगा, जब 14 में से 10 माइनस हो जाएगा तो माइनस 4 वैल्यू आएगी, जो 4 वैल्यू है वो लेस देन 7 है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एसिड, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे, क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज लुईस एसिड एंड लुईस बेस। लुईस की जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनर, एक्सेप्टर पे है। अगर कोई सब्सटेंस जो है जिसके पास लोन पेयर मौजूद है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, और वो अगर किसी को डोनेट करते हैं, इट विल बी कंसिडर एंड बेस। और अगर कोई सब्सटेंस जो है वो इस काबिल है, कैपेबल है और एक्सेप्ट करता है लोन पेयर, इट विल बी कंसिडर एज अ बेस। सारे जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो उस लूज करने के बाद उनका वैलेंस शेल खाली हो जाता है। जो हैविंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो एसिड होते हैं। और सारे नॉन मेटल क्योंकि वो ऑलरेडी जो है आयन की सूरत में होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुके होते हैं, तो दे हैविंग टेंडेंसी टू गिव द लोन पेयर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं अमोनिया NH3। नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 5 का, इसके पास एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्डिंग पेयर होते हैं। सो सिंस अमोनिया एक्सेप्ट द प्रोटोन फ्रॉम NH4, सो इट विल बी एज अ बेस। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन जो है हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा अमोनिया के साथ, अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और चूंकि ये लोन पेयर दे रहा है तो ये बेसिक होगा। ठीक है, फ्लोराइड, इसके वैलेंस शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक वो गेन करके जो है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक बॉन्डिंग हो उसके पास पेयर है और 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। इट मीन्स कि दे आर हैविंग कैपेसिटी और कैपेबल टू लूज द टू गिव द इलेक्ट्रॉन पेयर। फ्लोराइड हैज लोन पेयर। ठीक है, तो फ्लोरीन एटम या फ्लोराइड एटम होता है, आयन है, उसके पास लोन पेयर मौजूद है। सो इट इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, सो इट इज़ कंसिडर एज अ बेस। वाटर, वाटर जो है इसके अंदर दो एलिमेंट है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हैविंग टू लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग है, और दो जो है उसके बॉन्डिंग लोन बॉन्डिंग पेयर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, वो एज अ एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ बेस भी दोनों तरह से यूज़ कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है वाटर जो है वो एज एन एसिड करेगा, क्योंकि उसके वैलेंस शेल के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है हाइड्रोजन के पास। ठीक है, इसी तरह बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड की बात करें तो बोरोन में जो है वो ग्रुप 3A का है, और 3A का मतलब कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन एटम के साथ मिलकर उसने बोरोन ट्राईफ्लोराइड बना दिया। अब लेकिन उसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, इसके वैलेंस शेल में होने कितने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्डिंग के बाद भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। तो ये क्या करेगा, बोरोन इन बोरोन ट्राईफ्लोराइड हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन 3 पेयर। ठीक है, 3 इसने फ्लोरीन के साथ बनाया है, तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड जो बनाया तो इसके पास 3 पेयर बन गया। ठीक है, सो इट नीड एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट, तो क्या करेगा उसको अपना ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का पेयर और चाहिए। हैंस बोरोन ट्राईफ्लोराइड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये लुईस एसिड कहलाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, गिव द प्रोस्टेट लोरी डेफिनेशन ऑफ एन एसिड, राइट एन इक्वेशन दैट इलुस्ट्रेट द डेफिनेशन। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं जरा, हमें डिटेल चाहिए होती है तो हम इसको डिटेल में देख लेते, तो हम सिर्फ एसिड की बात नहीं करेंगे, हम साथ में बेसिस की बात भी करेंगे। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी क्या कहती है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। प्रोटॉन थ्योरी इसलिए कहते हैं कि इस थ्योरी के अंदर जो बेस बनाया गया है, जो जिसकी इसकी जो बेसिक है वो हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन को उन्होंने बेस बनाते हुए ये कहा है कि अगर कोई सब्सटेंस जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट विल बी कंसिडर एज एन बेस, और अगर कोई सब्सटेंस जो है हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है, इट विल बी कंसिडर एज अ बेस। इसी वजह से इसको प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस भी कहते हैं। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करवाया था 1923 में, दो जो है साइंटिस्ट है, डैनिश केमिस्ट थे निकोलस ब्रॉन्स्टेड, और उनके साथ इंग्लिश केमिस्ट थे थॉमस मार्टिन लोरी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, एनी सब्सटेंस एनी कंपाउंड डेट कैन ट्रांसफर अ प्रोटॉन टू एनी अदर कंपाउंड इज एन एसिड। कोई भी सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन दे रहा है वो एसिड है, एंड द कंपाउंड डेट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इज अ बेस। अब वो सब्सटेंस जो कि वो प्रोटॉन ले रहा है, हाइड्रोजन आयन ले रहा है, इट विल बी कंसिडर्ड अ बेस। अब प्रोटॉन्स या न्यूक्लियर पार्टिकल है, ठीक है, ये न्यूक्लियर पार्टिकल है, इसके पास वैलेंस शेल बिल्कुल एम्प्टी है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में नहीं है, विद अ यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल H+, इसका जो सिंबल है वो H+ लिखा जाता है, बिकॉज कंस्टिट्यूट द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, उसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद है और कुछ भी नहीं है, राइट। अगर हम बात करें
एनी कंपाउंड डेट कैन ट्रांसफर अ प्रोटॉन टू एनी अदर कंपाउंड इज एन एसिड। हम ये कह रहे हैं कि जो भी सब्सटेंस है अगर कोई हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो वो एसिड है। अब इसके अंदर अमोनिया और वाटर को हम कंसिडर कर देते हैं, हमें नज़र आ रहा है कि अमोनिया ने जो है ये हाइड्रोजन को अपने लोन पेयर दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है किसके पास, अमोनिया के पास। तो अमोनियम आयन बन रहा है क्योंकि इसने एक प्रोटॉन लिया है। ठीक है, एक हाइड्रोजन आयन लिया, हाइड्रोजन लिया है तो ये प्रोटॉन जो है एक्सेप्टर बन गया। चूँकि प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो इट विल बी कंसिडर्ड अ बेस। जबकि वाटर ने जो है H2O ने जो है अपना एक एच प्लस आयन यानी प्रोटॉन दे दिया है, वो प्रोटॉन दे दिया है तो वो OH- आयन बन गया। चूँकि ये एक्स डोनर है तो ये क्या कंसिडर होगा, एज अ एसिड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं HCl और वाटर की। HCl और वाटर की जब हम बात करते हैं तो कंपाउंड डेट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इज बेस। जहाँ पे जो सब्सटेंस जो है वो एक्सेप्ट करे वो बेस है, जो ले दे रहा है डोनेट करे वो एसिड है। हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि HCl का जो हाइड्रोजन है वो डोनेट किया जा रहा है वाटर को, तो HCl डोनेट कर रहे हैं और वाटर एक्सेप्ट कर रहा है। तो HCl जो है HCl का क्या कंसिडर होगा, एसिड, और वाटर कंसिडर होगा बेस। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं अमोनिया वाटर के। जो अभी हमने पहले देखी तो हमें ये पता है कि वाटर अमोनिया आपस में मिलने के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अमोनियम पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। चूँकि वाटर ने जो है वो अपना हाइड्रोजन दिया है, प्रोटॉन दिया है, तो इस वजह से वाटर जो है वो एक्ट करेगा ऐसा लोहिक एसिड, जबकि अमोनिया एक्ट करेगा ऐसा बेस। ठीक है, ये दोनों मिल के जो है कॉन्जुगेट पेयर बना लेंगे एसिड के और कॉन्जुगेट पेयर बना लेंगे बेस के। ठीक है, अब कुछ जो है यहाँ पे सबसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एसिड और बेस की। जैसे अमोनिया HCl और अमोनिया की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर की बात करें तो बाई सल्फेट और हाइड्रोनियम आयन बनता है। नाइट्रिक एसिड की और मिथेनॉल की बात करें तो नाइट्रेट और मिथेनोलियम आयन बनता है। अगर एसिटिक एसिड और वाटर की बात करें तो एसिटेट और हाइड्रोनियम आयन बनता है। ये सारे के सारे जो एच प्लस आयन हमें दे रहे हैं, हाइड्रोजन दे रहे हैं, दे विल बी कंसिडर्ड एज अ लोरी बॉन्स्टेड एसिड। और वो सारे के सारे सब्सटेंस जो कि एच प्लस आयन जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टर बन रहे हैं, दे विल बी कंसिडर एज अ बेस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या, आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये हमें 6 रिएक्शन दिए हैं, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। तो जहाँ पे एच प्लस आइन है डोनेट किया जा रहा है वो एसिड कंसिडर होगा, और जो सब्सटेंस या कंपाउंड एच प्लस आइन या प्रोटॉन एक्सेप्ट करें इट विल बी कंसिडर एज अ बेस। अच्छा, यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिटेट और हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। एसिटिक एसिड ने प्रोटॉन जो है वो दिया है, किसको दिया है, वाटर को। तो जो दे रहा है वो एसिड होगा, डोनेट कर रहा है, और जो ले रहा है एक्सेप्टर है, इट विल बी कंसिडर एज अ बेस। सो एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड टू एसिटेट बाय डोनेटिंग प्रोटॉन एच प्लस, देयरफॉर इट इज एसिड। वेयर इज वाटर H2O कन्वर्टिंग टू हाइड्रोनियम आयन बाय एक्सेप्टिंग एच प्लस आयन, देयरफॉर वाटर इज अ बेस। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं बाइकार्बोनेट है, वाटर के साथ मिक्स करता है, कार्बोनेट बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना रहे। बाइकार्बोनेट के पास, कार्बोनेट के पास एक एच प्लस आयन है जो कि हाइड्रोजन प्रोटॉन है। किस सूरत में ये प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर दिया जाता है वाटर को, तो बाइकार्बोनेट एक्ट एज एन एसिड एंड वाटर जो एक्सेप्ट करे प्रोटॉन इट विल बी एक्ट एज अ बेस। सो तो बाइकार्बोनेट लूजेज एन एच प्लस आयन, सो इट इज एन एसिड, देयरफॉर वाटर गेन एच प्लस आयन, सो इट विल बी कंसिडर अ बेस। अच्छा, तीसरा हमारी जो इक्वेशन है अमोनिया वाटर की है। अगर हम अमोनिया वाटर की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये अमोनिया जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, प्रोटॉन, और वाटर जो है वो लूज कर रहा है प्रोटॉन। तो वाटर इज कन्वर्टेड टू OH- आयन बाई डोनेटिंग प्रोटॉन, सो वाटर इज एन एसिड। एंड अमोनिया एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एच प्लस आयन एंड फॉर्म द अमोनियम आयन, सो इट विल बी कंसिडर एज अ बेस। ओके, अगर नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें नंबर 4 के, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाइकार्बोनेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनिक एसिड और क्लोराइड आयन बना लेते हैं। अब ये कार्बोनिक एसिड जो बना है वो ये HCl ने अपना H प्लस आयन जो है डोनेट किया, यानी प्रोटॉन डोनर बन गया, और बाइकार्बोनेट ने जो है वो क्या किया है, वो एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया है, तो ये कंसिडर हो जाएगा बेस। ठीक है, HCl लूजेज एन प्रोटॉन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयन, सो इट इज़ बी कंसिडर एन एसिड। दे बाइकार्बोनेट
कंटेन्स द एच प्लस साइन, सो इट विल बी कंसिडर्ड अ बेस. ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड है. हाइड्रोजन सल्फाइड की हम बात करें तो वाटर के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड आयन की बात करें, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और सल्फाइड बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है. अब ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसने लूज़ किया है एक हाइड्रोजन. ठीक है, ये हाइड्रोजन जो इसने लूज़ किया है तो ये चूँकि डोनर बन गया है इस वजह से ये कंसिडर होगा एसिड. और ये वाटर जो है इसने एक हाइड्रोजन आयन प्रोटोन एक्सेप्ट किया तो ये कंसिडर हो जाएगा एज अ बेस. ठीक है, लास्ट इक्वेशन है हाइड्रोजन सल्फाइड की. यह हाइड्रोजन सल्फाइड आयन था, यह हाइड्रोजन सल्फाइड है. हाइड्रोजन सल्फाइड जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम आयन और बाइसल्फाइड आयन बनता है. ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड इज डोनेटिंग, ये जो एच प्लस डोनेट कर रहा है तो इट विल बी कंसिडर एन एसिड बिकॉज अमोनिया जो है प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, सो इट विल बी कंसिडर्ड अ बेस. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो 11 के अंदर उन्होंने चार इक्वेशन दिए और हमें लुईस के हिसाब से बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज़ लुईस एसिड एंड विच वन इज़ लुईस बेस. ठीक है, अच्छा आइडेंटिफाई जो हम करेंगे, सिल्वर है हमारे पास साइनाइड है और सिल्वर साइनाइड बनता है. ठीक है, कैट आइन जो है सिल्वर जो है वो लुईस एसिड है. क्यों लुईस एसिड है? सिंस इट इज़ एबल टू एक्सेप्ट प्रोटोन, क्योंकि ये एक्सेप्ट करे प्रोटोन. ठीक है, अगर हम साइनाइड आयन की बात करें तो साइनाइड आयन जो है वो बेस के तौर पे करेगा क्योंकि ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का पेयर. अच्छा, बोरोन ट्राईहाइड्रोक्साइड की बात करें, बोरोन हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बोरोन हाइड्रोक्साइड में हमें पता चलता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बोरोन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है. तो बोरोन हाइड्रोक्साइड क्या होगा? वो एसिड होगा. और OH ग्रुप जो है हाइड्रोक्सल आयन जो है वो चूंकि लुईस बेस बनेगा क्योंकि ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का पेयर. ऑक्सीजन इसके अंदर है, ऑक्सीजन जो है हैविंग द लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर कॉपर आयन और अमोनिया की बात करें तो कॉपर जो है अमोनेट बनता है. अगर हम इसकी बात करें तो कॉपर जो है वो लुईस एसिड है क्योंकि कॉपर के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत है. ठीक है, और अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के पास जो एक लोन पेयर है जो नाइट्रोजन के पास मौजूद है क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप 5 का एलिमेंट है, उसके पास एक नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर मौजूद है. वो उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट कर डोनेट करेगा. डोनेट करने के बाद अमोनिया कंसिडर होगा एज अ बेस. अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वर्क करेगा एज अ लुईस एसिड क्योंकि इसके पास जो है OH है और OH तीन पेयर हैं. तीनों पेयर के पास ऑक्सीजन मौजूद है और ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है दो. ठीक है, जो कि नॉन बॉन्डिंग का होता है तो ये एक्सेप्ट करेगा तो ये लुईस एसिड के बनाएगा. और OH ग्रुप जो है यहाँ पे जो मौजूद है वो क्या करेगा? बेस बनेगा क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास है, आइडेंटिफाई करना है हमें लुईस एसिड और बेस को. एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड, सिल्वर, मिथेनॉल और ये साइनाइड आयन है, हाइड्रोक्सल आयन है और क्लोराइड आयन है. ठीक है, अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड जो है वो क्या है? लुईस एसिड है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है. सिल्वर जो है वो एसिड होगा क्योंकि एसिडिक इन नेचर होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है. ठीक है, मिथेनॉल हाइड्रोक्साइड की बात करें तो वो लुईस बेस होगा क्योंकि वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन का पेयर. और अमोनियम मिथेनॉल अमोनिकल मिथेनॉल की बात करें तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करते हैं तो बेस कंसिडर होगा. साइनाइड आयन की बात करें तो साइनाइड आयन जो है उसके पास नाइट्रोजन है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है. ठीक है, तो ये कंसिडर होगा बेस. और OH माइनस आयन की बात करें तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर जो है देने की सलाहियत रखता है तो कंसिडर होगा एज अ बेस. और आयरन ट्राईफ्लोराइड की बात करें तो ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने की वजह से इट विल बी कंसिडर एज अ एसिड. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो था, क्लासिफाई वाटर एज अ प्रोटोन डोनर और एक्सेप्टर. ये भी हमारा लॉन्ग में भी आ सकता है. ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. वाटर कैन एक्ट एज बोथ एन एसिड एंड बेस एट द सेम टाइम, रेफर टू ऑटो आयोनाइजेशन. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं. वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट अ प्रोटोन एंड इन अदर डोनेट अ प्रोटोन. एक वाटर मॉलिक्यूल जो है एक्सेप्ट कर लेता है प्रोटोन, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डोनेट कर देता है प्रोटोन. यहाँ पे दो एग्जाम्पल मौजूद है. दिस मीन वाटर बिहेव लाइक एन एसिड एंड बिहेव्स एज वेल एज अ बेस. तो वाटर का
कभी एसिड के तौर पे वर्क करता है यानी बेस से रिएक्ट करता है, कभी बेस के तौर पे वर्क करता है मींस एसिड से रिएक्ट करता है। इट एम्फोटेरिक इन नेचर, या एम्फोटेरिक नेचर होती है यानी ड्यूल इन नेचर होती है। सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो वो सारे सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल दी है, प्रोटोन एक्सेप्टर की और प्रोटोन डोनर की। प्रोटॉन एक्सेप्टर की बात करें तो HCl के साथ हम जब वाटर को रिएक्ट करते हैं तो वाटर क्या कहते हैं H प्लस आइन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक्ट एज अ बेस। इसी यही वाटर जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, अपना H प्लस आइन जो है वो डोनेट कर देता है और ये एक्ट करता है एज एन एसिड। ठीक है, प्रोडक्ट में हमें क्या बनेगा, हमारे पास हाइड्रोनियम आयन क्लोराइड बनेगा जब HCl वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्सल आयन बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा है, राइट इक्वेशन शोइंग द आयनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एस आर एन एस एसिड। हमें इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन आपको पता है जब भी हम आर एन एस क्या कहते हैं, व्हेन सब्सटेंस डिसोसिएट एच प्लस साइन और ओ एच माइनस साइन इन एक्वस सॉल्यूशन विल बी कंसिडर एज अ एसिड और बेस। अगर एच प्लस साइन वाटर में लिबरेट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है या डोनेट कर रहा है तो वो एसिड कंसिडर होगा, और किसी सब्सटेंस के अंदर ओ एच माइनस साइन लिबरेट हो रहा है या डोनेट किया कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो वो कंसिडर होगा बेस। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करें तो एच प्लस साइन और आई आई माइनस साइन बन रहा है, यानी आयोडाइड आइन और एच प्लस साइन बन रहा है तो ये क्या है, एसिड है। अगर नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड जब भी होता है तो नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है नाइट्रिक एसिड जो है एच प्लस साइन और नाइट्रेट आइन देता है तो ये क्या होगा, एसिड कहलाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे भी एक और इक्वेशन भी देख लेते हैं, राइट इक्वेशन शोइंग द आयनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एज ब्रोंस्टेड एसिड। हमें बताना है कि इसमें ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा है। तो नाइट्रिक एसिड है, वाटर के साथ रिएक्ट रहा है, हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन बन रहा है। तो अब अगर वो गौर से देखें तो ये नाइट्रस एसिड जो है वो क्या होता है, कन्वर्टेड टू नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है बाई डोनेटिंग अ प्रोटॉन, देयरफॉर HNO2 इज एन एसिड। HNO2 क्या होगा, वो एसिड कंसिडर होगा, और यहाँ पे HNO2 जो है बाई डोनेट कर रहा है एच प्लस आइन तो फिर वो क्या बनेगा, वो एसिड कंसिडर होगा। वाटर चूँकि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वाटर क्या बनेगा, बेस बनेगा। अगर हम HCN हाइड्रोजन साइनाइड की बात करें तो हाइड्रोजन साइनाइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोनियम आइन और साइनाइड आइन बनता है। तो हमें पता है कि HCN हाइड्रोजन साइनाइड ने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आइन जो है डोनेट किया है, चूँकि वो डोनेट कर रहे हैं प्रोटॉन तो ये क्या होगा, कंसिडर होगा एसिड। और वाटर मॉलिक्यूल ने चूँकि एक्सेप्ट किया है हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोनियम आइन में कन्वर्ट हो गया तो इट बी कंसिडर एज अ बेस। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली मैसेज मी। थैंक यू।